Swear your oath, Moraine Sedai. I swear to speak no word that is not true, to make no weapon with which one person may kill another, and never to use the One Power as a weapon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। हम सभी मूवी फैंस कहीं ना कहीं ये बात तो मानते हैं कि हॉलीवुड वेब सीरीज सबसे ज्यादा इंजॉयबल होती हैं और एंटरटेनमेंट के नाम पर ऑफर करने के लिए इनमें बहुत कुछ होता है, और जब ये हॉलीवुड वेब सीरीज गुड क्वालिटी हिंदी ऑडियो में हो तो मजा दोगुना हो जाता है। तो दोस्तों, एंटरटेनमेंट का मजा कई गुना बढ़ा देने वाली 2021 की टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड वेब सीरीज इन हिंदी का फोर्थ पार्ट में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें अक्टूबर टू दिसंबर 2021 की सबसे बेस्ट हॉलीवुड वेब सीरीज आपको मिलेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपको ले चलते हैं आज की अमेजिंग लिस्ट की तरफ। नंबर 10 पर है एक ऐसी साइफाई सीरीज जो एक कल्ट क्लासिक और फैन फेवरेट एनिमे वर्ल्ड में आपको वापस लेकर जाएगी। नेटफ्लिक्स की लाइव एक्शन सीरीज काउबॉय बेबॉप जैपनीज एनिमे काउबॉय बेबॉप पर बेस्ड है। सीरीज में हम देखते हैं कि बाउंटी हंटर्स का एक क्रू गैलेक्सी के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स को चेस करता है, और फिर एक एक्शन पैक्ड राइड सीरीज में शुरू होती है। तो अगर आप एनिमे लवर हैं और काउबॉय बेबॉप एनिमे के फैन हैं तो इस लाइव एक्शन सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, लेकिन उस क्लासिक एनिमे के लेवल को मैच करने का एक्सपेक्टेशन इस सीरीज से मत रखिएगा। 19 नवंबर को रिलीज हुआ इसका फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर मोस्ट लव्ड एंड ऑल्सो मोस्ट हेटेड सोशियोपाथ की साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी है जो हॉरिफिक ना होते हुए भी अपने डार्क मोमेंट से हमें डराती है। यू सीजन 3 के साथ जो गोल्डबर्ग एक बार फिर से हमें अपने यूनिवर्स में ले जाने के लिए वापस आया है। थर्ड सीजन की स्टोरी पिछले सीजन के एंड से ही कंटिन्यू होती है, जहां लीड कैरेक्टर सबअर्बन टाउन में शिफ्ट होते हैं। इस बार कुछ बेहतरीन एंड परफेक्टली रिटन कैरेक्टर्स भी सीरीज में ऐड किए गए हैं, जिससे कि थर्ड सीजन काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फैंस जो इसके पिछले दोनों सीजन को अपना टाइम दे चुके हैं वो इसके थर्ड सीजन को भी जरूर ट्राई करें। 10 एपिसोड के साथ इसका थर्ड सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर अमेजिंग विजुअल्स और इमोशन वाली एक एडवेंचरस स्पेस राइड है जो सर्वाइवल और फैमिली ड्रामा को साइफाई ट्विस्ट के साथ हमारे सामने रखती है। लॉस्ट इन स्पेस सीजन 3 के साथ रॉबिन्सन फैमिली एक फाइनल गुड बाय कहने के लिए वापस हमारे सामने आई है। इस सीरीज का ये थर्ड एंड फाइनल सीजन 1 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ, जो परफेक्ट बीजीएम और लास्ट टाइम की ही तरह अमेजिंग विजुअल्स के जरिए सेटिस्फिकेशन वाली एंडिंग व्यूअर्स को देता है। इसके पिछले सीजन्स में टाइम इन्वेस्ट कर चुके व्यूअर्स के लिए थर्ड सीजन काफी इंगेजिंग है और 2021 की सबसे बेस्ट सीरीज में से काउंट करना कहीं भी गलत नहीं है। 8 एपिसोड्स के साथ इसका थर्ड सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में आप इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर है एक एपिक फैंटेसी सीरीज जो फैंटेसी मूवी लवर्स के लिए अवेलेबल लिमिटेड कंटेंट में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐड कर देती है। 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई Amazon ओरिजिनल द व्हील ऑफ टाइम, जिसने एक काफी यूनिक फैंटेसी वर्ल्ड व्यूअर्स के सामने रखा है। एक ऐसा हाई फैंटेसी वर्ल्ड जहां मैजिक एग्जिस्ट करता है लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इसे एसेस कर सकते हैं, और इसी के साथ डार्क डेमोनिक पावर्स भी यहां एग्जिस्ट करती हैं। अब हर फैंटेसी सीरीज की तरह यहां भी मैजिक और डार्कनेस के बीच फाइट देखने को मिलती है, लेकिन बिल्कुल यूनिक वे में इसे व्यूअर्स के सामने रखा जाता है। दोस्तों, इसके एपिसोड थोड़े लंबे हैं, कहीं कहीं थोड़े स्ट्रेच्ड नजर आते हैं, लेकिन इसका फैंटेसी पार्ट और इसके विजुअल्स नेगेटिव्स को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो ये एक गुड टू वॉच सीरीज है दोस्तों, जिसे आप Amazon Prime पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर है मार्वल यूनिवर्स की एक मिनी सीरीज जो एवेंजर टीम के ऐसे हीरो की स्टोरी दिखाती है जिसे मूवीज में उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया था। 24 नवंबर 2021 को रिलीज हुई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिफ्थ सीरीज हॉकआई, जो सुपर हीरो हॉकआई पर सेंटर्ड है, और यंग एवेंजर केट बिशप के एडवेंचर्स भी हमें दिखाती है। हर एक मार्वल सीरीज और मूवीज की तरह इस सीरीज के एक्शन सीक्वेंसेस भी एकदम नेक्स्ट लेवल के थे, और इसके लीड कैरेक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनती है। तो सुपर हीरो फैंस मस्ट वॉच दिस शो, और मार्वल फैंस को तो ये शो देखना एकदम जरूरी है क्योंकि ये मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा है और मार्वल अपने पार्ट्स को अपनी टाइमलाइन को हमेशा ऐड करते हुए चलता है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 6 एपिसोड्स के साथ हिंदी में अवेलेबल इस मिनी सीरीज को आप जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 5 पर है एक इमोशनल स्टोरी जो लाइफ का हार्ड साइड और इससे फाइट करके सरवाइव करने वाले ह्यूमन नेचर के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को हमारे सामने रखती है। एक मदर के अपने चाइल्ड के लिए किए गए सैक्रिफाइसेस हमें दिखाती है नेटफ्लिक्स की लिमिटेड सीरीज मेड। एक यंग मदर जो अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकलती है और सभी ऑड्स को फेस करके अपनी डॉटर को एक बेटर फ्यूचर ऑफर करने की कोशिश करती है। दोस्तों, इस सिंपल सी स्टोरी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीरीज में प्रेजेंट किया गया है। वैसे तो सभी मूवी फैंस को ये ट्राई करनी चाहिए, लेकिन एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर जैसे जॉनर्स के हार्डकोर मूवी फैंस के लिए ये सीरीज नहीं है। तो अगर आप कुछ यूनिक एंजॉय करना चाहते हैं
तो 1 अक्टूबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई इस लिमिटेड मिनी सीरीज को आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5 पर है एक ऐसी थ्रिलिंग स्टोरी जहां चोर चोरी करके भी क्रिमिनल्स नहीं बल्कि हीरो कहलाते हैं। हाइस्ट का एक अलग ही लेवल दिखाने वाली स्टोरी का लास्ट पार्ट और इस साल का मोस्ट लव्ड फिनाले मनी हाइस्ट सीजन 5 पार्ट 2, जिसने गूज़बम्प्स के साथ साथ बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स भी हमारे सामने रखे हैं। प्रोफेसर की मास्टरमाइंड हाइस्ट प्लान की अंतिम कड़ी, अब तक की सबसे बड़ी हाइस्ट जो प्रोफेसर और उसके क्रू के लिए एकदम लाइफ चेंजिंग होने वाली है, उसी हाइस्ट की स्टोरी को ये सीजन खत्म करता है और ये एंड आपको भी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मनी हाइस्ट पार्ट 5 का फर्स्ट वॉल्यूम 3 सितंबर 2021 को रिलीज हुआ था और इसका सेकेंड एंड फाइनल वॉल्यूम 3 दिसंबर 2021 को रिलीज हुआ था। और दोस्तों, ये दोनों ही वॉल्यूम नेटफ्लिक्स पर आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर एक्शन एडवेंचर फैंटेसी और ड्रामा वाली एक मोस्ट लव्ड स्टोरी है द विचर सीजन 2, जिसका फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, इस सीरीज का सेकंड सीजन इसके फर्स्ट सीजन से भी ग्रैंड और काफी एंटरटेनिंग है, जिसमें स्टोरी पिछले सीजन से ही कंटिन्यू होती है। सेकंड सीजन की फास्ट पेस्ड स्टोरी इसे बिंज वर्दी बनाती है और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि इसमें पिछले सीजन के लूज एंड्स को भी फुलफिल किया गया है। विचर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया है, सीरी की पावर्स को एक्सप्लेन किया गया है। इन सभी एड ऑन्स की वजह से इसका फर्स्ट सीजन भी समअप हुआ है और इसका सेकेंड सीजन काफी इंटरेस्टिंग बन गया है। तो दोस्तों, 17 दिसंबर 2021 को 8 एपिसोड्स के साथ रिलीज हुए द विचर सीजन 2 को नेटफ्लिक्स पर जाकर हिंदी में एंजॉय जरूर कीजिए। नंबर 2 पर एक ऐसी सीरीज है जो कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन के जरिए एक अलग ही किक व्यूअर्स को देती है। वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज कोबरा काय, जिसका हर एक सीजन फैन फेवरेट है और 31 दिसंबर 2021 को रिलीज हुआ इसका फोर्थ सीजन भी अब फैन फेवरेट बन चुका है। फोर्थ सीजन में कोबरा काय और मियागीडो दोनों डोजोस की फाइट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और ये फाइट अब कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ तक भी पहुंच चुकी है। इस अमेजिंग सीरीज का ये फोर्थ सीजन शुरू के कुछ एपिसोड्स में इमोशनल राइड पर आपको लेकर जाएगा, जो थोड़ी सी स्लो आपको लग सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ में जो गूज़बम्प्स ये सीजन आपको देगा वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के लिए 10 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल कोबरा काय सीजन 4 को आप जरूर ट्राई कीजिए। My destiny, my family crest is and will always be a gang sign. It's too late. No, it's not. Just because we figured out a few of the keys, we think we know everything. We don't know everything, but we know that Dodge is gone. नंबर 1 पर एक्शन और एडवेंचर का धमाकेदार कॉम्बो है जो आपको एनिमेटेड सीरीज का फैन बना देगा। अगर लीग ऑफ लेजेंड्स वीडियो गेम आपने खेला है तो फिर आप इस सीरीज से और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। मैजिक, पावर और राइवलरी का एकदम फार कॉम्बो दिखाती है नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज आर्केन। स्टोरी 2 आइकॉनिक लीग चैंपियंस के ओरिजिन को फॉलो करती है और एक ऐसी पावर से हमें इंट्रोड्यूस करवाती है जो आने वाले टाइम में तबाही मचा देगी। दोस्तों, आप चाहे एनिमेटेड सीरीज पसंद करते हो या ना करते हो, दोनों ही केसेस में इस सीरीज को ट्राई करना तो बनता है। 6 नवंबर 2021 को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और 10 एपिसोड्स के साथ इसका फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। अपने टाइम का सबसे बेस्ट यूज करके एंटरटेनमेंट का एकदम परफेक्ट डोज अगर आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए एंड आई अश्योर यू आपके टाइम का पूरा वर्थ आपको मिलेगा सबसे बेस्ट मूवी चॉइसेस के साथ। 2021 की सबसे बेस्ट हॉलीवुड मूवीज के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखिए और 2021 की सबसे बेस्ट इंडियन वेब सीरीज के लिए राइट वाला वीडियो देखिए। दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आज का साथ यहीं तक का था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।